हिमाचल प्रदेश दे मानयोग मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुखू जी मेरे छोटे जे सद्दे ते नाश्ते ते इत्थे अपने ऑफिसर समेत पहुँचे मैं जी आया नूं कहना निघा स्वागत करते हैं। असीं अपनी साढ़े भी अफसरां दी टीम इत्थे मौजूद है और बड़े खुल के विचार वटांदरे पंजाब ते हिमाचल प्रदेश नाल संबंधित जिहड़े मसले ने उन्हां ते होया क्योंकि हिमाचल पंजाब हरियाणा आपस च छोटे वड्डे भाई ने तो हिमाचल प्रदेश नाल साडी सांझ जिहड़ी आ उह कल्ली टूरिज़म दी नहीं नाल नाल धार्मिक टूरिज़म बहुत ज़्यादा हुंदा है। मणिकरण साहब लोग मत्था टेकन जांदे ने नैना देवी मत्था नतमस्तक होण जांदे ने सो टूरिज़म नाल संबंधित जिहड़ियां आने वाले दिनों कोई ऐसा इदा के प्रोजैक्ट जिसे हिमाचल तो पंजाब इकट्ठे जोड़े ने वो कम कर सकते हैं उद्दन तो विचार वटांदरे हुए ने। तो पिछले दिन च एक इस तरह की खबर निकल के आई सी कि शायद पानी के उत्ते सैस लगाने दलां से बारे भी मुख्यमंत्री साहब ने विचार वटांदरा होया तो इन्होंने बिल्कुल क्लीयर किया कि अपने जोड़े इन्हों जे हिमाचल की टैरिटरी जोड़े हाइड्रो प्रोजेक्ट ने उन्होंने यह सस जोड़ा उदी इन्होंने तजवीज़ है। बाकी ये भी फैसला किया गया कि हर 10 दिन बाद हर 15 दिन बाद जोड़े चीफ सैकटरी ज सैकटरी जो डिपार्टमेंट आने उन्होंने आपस मीटिंग होगी तो कोई भी किसी किस्म की कोई शिकवे ज शिकायत ने ज सुझा ने वो आपस बैठ के उस पद्धर से हल हो जाएंगे सो ताकि कोई असी किसी फालतू के किसी झगड़े च ना पईए। सो मैं एक बार फिर हिमाचल प्रदेश के माणयोग मुख्यमंत्री सुखविंदर सुखू जी का उन्होंने सारी टीम का साढ़े घर पहुँचन ते जी आयां नूं ते निघा स्वागत करदा ते नाल नाल तुहानूं भी तुहाडा भी धन्नवाद तुसीं बहुत शॉर्ट नोटिस ते आए हो ते हिमाचल प्रदेश नाल जिन्ने भी कई इस तरह के प्रोजेक्ट ने जिहड़े सांझे हो सकते हैं जिवें पठानकोट तो डलहौजी रोपवे जां आनंदपुर साहब तो नैना देवी लई जिहड़ा रोपवे है वो काफ़ी प्रोजेक्ट इदां दे ने जिहड़े अच्छे स्पीड अप करन दी लोड़ है तो बहुत अच्छा जिहड़ा उहदे च दोनों राज्यां नूं जिहड़ा रेवेन्यू दे विच वी उहदे च फायदा होगा। सो मैं एक मिनट लई कहूँगा माणयोग मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के विचार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।